नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जहां हमले में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए हैं। घटना की पुष्टि डीआईजी सुंदरराज पी ने की है। शहीद जवानों में एक एएसआई और 3 जवान शामिल है और यह हमला कांकेर के पंखासुर से 35 किलोमीटर दूर मोहल्ला जंगल में हुआ है, जहाँ रूटीन ऑपरेशन पर निकले बीएसएफ के जवानों पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। फिलहाल इलाके में बैकअप पार्टी ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार सर्चिंग जारी है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले एक साल से देश के सभी राज्यों से दिए गए सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। घोषणा पत्र में समाज के विभिन्न वर्गों से भी फीडबैक शामिल किया गया है। चुनावों में हमारी प्रतिबद्धता और देश के प्रति जो संकल्प है, उसका विवरण शब्दों में किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग एक साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन किया, लगभग 2 दर्जन राज्यों में हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी अध्यक्ष चिदम्बरम जी, पूरी टीम, अलग अलग लोगों से मिली, किसानों से, नौजवानों से, पूरे समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से खुले वातावरण में चर्चा करने के बाद, जो इतने बड़े देश के नाना प्रकार के भौगोलिक, सामाजिक जो हमारे समीकरण हैं, उन सबको समझकर एक समावेश तैयार किया गया। और एक साल की कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही क्रांतिकारी दस्तावेज है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र से परेशान हैं और साथ ही कहा कि हमारी सरकार जो वादा करती है उसको निभाती है। राजीव ने कहा कि हम लोग बीजेपी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते। लखनऊ में भी मैनिफेस्टो आज रिलीज किया जा रहा है, जिसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी और सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपस्थिति में जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, तो हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतना व्यापक असर होगा। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला ने तीर्थ नगरी पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर सरोवर की पूजा अर्चना की, जहां पुष्कर पहुंचने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 दिन तक अजमेर की स्टडी की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि विकास की प्राथमिकता क्या रहेगी। साथ ही कहा कि यूथ को नौकरी और अजमेर के विकास को ध्यान में रखकर जीत की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। सर, मैं अजमेर जिले को पूरे अच्छे तरह से स्टडी करके 10 दिन बाद आपको बताऊंगा क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मेरे पूरे जीवन में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि जो कि बिना सोचे समझे करा जाए। तो मैं ऐसा कोई भी वादा नहीं करना चाहूंगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं कहना चाहूंगा जिससे मैं खराब नहीं उतर सकूं। आप पहली बार चुनाव राजनीति में आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं? सर, चुनाव में आने का एक कारण है कि भाई चुनाव के जरिए से एक लोक सेवा करने का मौका मिले। बाकी तो और बिजनेस में करने का मौका मिलते ही रहता है, लेकिन चुनाव एक राजनीति ऐसा जरिया है जिसके लिए आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो, उनका भला कर सकते हो, उसी को प्राथमिकता मानकर मैं आगे कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के टिकट तय होने के साथ ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीपी चौधरी ने पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। पीपी चौधरी ने जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और साथ ही कहा कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार होनी चाहिए, तभी देश मजबूती के साथ तरक्की कर पाएगा। राजस्थान के चौमू में 5 अप्रैल को होने वाली हिंदू नववर्ष भगवा रैली को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी हिंदू नववर्ष समिति के पदाधिकारी मुकेश शर्मा और मृत्युंजय आत्रे ने प्रेस नोट जारी कर रैली के स्थगित होने की घोषणा की है।
आपको बता दें कि समिति और पुलिस प्रशासन के बीच रैली के रूट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की अगुवाई में हिंदू संगठनों के साथ वार्ता हुई थी। मीडिया वाले एक मिनट रुक जाएं, वो कैसेट मुझे काट देता हूं। मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र के मांडा गांव के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास एक ट्रक जो सीरियाई से सोजत रोड की ओर जा रहा था, जिसमें बीच रास्ते में मांडा गांव के निकट अचानक आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रक को रोका गया तो वहीं ट्रक में लगती आग को देखकर ग्रामीणों ने बुझाया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते बच गया। हालांकि ट्रक में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली गई। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने सभी 25 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने सर मथुरा निवासी संजय जाटव को उम्मीदवार बनाकर चुनाव के रण में उतारा है, तो वहीं संजय कुमार जाटव को कांग्रेस का टिकट मिलने से नेताओं में घमासान मच गया। कांग्रेस से प्रमुख दावेदारी जता रहे दावेदारों को टिकट नहीं मिलने पर खुलकर बगावती तेवर देखकर सड़कों पर उतर आए हैं, जहां बीते दिनों जयपुर में धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक और पूर्व सांसद खिलाड़ी राम ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के कर्मठ नेताओं की ओर से बैरवा समाज की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। तो वहीं दूसरी ओर करौली धौलपुर लोकसभा से प्रमुख दावेदारी जता रहे लक्की राम बैरवा को टिकट नहीं मिलने पर आहत होकर बगावत तेवर दिखाते हुए लोकसभा क्षेत्र की सड़क पर उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब नामांकन प्रक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, जहां उदयपुर लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह तिवारी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन लाल मीणा 8 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लाखेरी उपखंड के देही खेड़ा कस्बे में सरकारी खरीद केंद्र पर इस सीजन खरीद बुधवार सुबह पूजा अर्चना शुरू की गई। कस्बे में मेगा हाईवे के किनारे देवनारायण बाग में संचालित एफसीआई के सरकारी खरीद केंद्र पर विभाग के एडीएम एजीएमआरएस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे की पूजा अर्चना कर गोहाटा के किसानों की गेहूं की तुलाई शुरू की। इससे पूर्व खरीद केंद्र के भुगतान अधिकारी आरडी मीणा, किस्म निरीक्षक नाजिम परवेज और कृषि पर्यवेक्षक बाबूलाल मीणा और भगत सिंह ने अधिकारियों का साफा बांधकर स्वागत किया। तो वहीं केंद्र प्रभारी मीणा ने मौजूद किसानों से टोकन की तारीख को गेहूं को खरीद केंद्र लाने और व्यवस्था बनाने में किसानों से सहयोग की अपील की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बारा के छाबड़ा मोतीपुरा स्थित थर्मल परिसर में छाबड़ा एसडीएम की अध्यक्षता में एक दिवसीय बॉर्डर बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के गुना, चाचौड़ा के एसडीएम, तहसीलदार और विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देश पर क्राइम ब्रांच टीम ने सट्टे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। टीम ने अशोकनगर थाना क्षेत्र में सरोजनी मार्ग के एक फ्लैट पर दबिश देकर सट्टा लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस ने मौके से 15 मोबाइल, 2 लैपटॉप और लाखों रुपए के हिसाब की डायरी सहित 15,000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है।
जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच लगातार जयपुर में बड़ी क्रिकेट सट्टे पे कार्रवाई कर रही है। जयपुर में कल दो बड़ी कार्रवाई हुई है, एक तो अशोकनगर थाना क्षेत्र और एक सोडाला थाना क्षेत्र में क्रिकेट सट्टा पकड़ा गया जिसमें लाखों रुपए का सट्टा पुलिस को बरामद हुआ है। साथ ही कई उपकरण भी पुलिस को मिले हैं। हमारे साथ है एडिशनल DCP जो पूरे घटनाक्रम में मॉनिटरिंग कर रहे थे। सर क्या है पूरा मामला? कल IPL मैच के दौरान हमारे को सूचना मिली थी कि थाना अशोकनगर के सरोजनी मार्ग पर रूप कमल जो फ्लैट्स हैं उसमें कुछ बाहर से अजमेर से और कुछ जयपुर का जो फ्लैट मालिक है वहाँ बैठकर क्रिकेट पे सट्टा चला रहा था। उस सूचना को हमारी CIU टीम के साथ और थाना अशोकनगर इंचार्ज साहब के साथ हमने वहाँ जाकर दबिश दी और उस दौरान हमने एक तो जो फ्लैट मालिक है हरीश खेमानी और दो जो अजमेर के हैं ओम प्रकाश और भगवान दास, ये अजमेर से अजमेर के रहने वाले हैं और यही सट्टे का व्यवसाय करते हैं, इनको पकड़ा है। और हमने 15,000 नगद, दो लैपटॉप हैं और एक जो पूरा TV LED और जो सट्टे में काम में ली जा रही है वो सारा उनको पकड़ा है। और इनसे अब हम और तलाश कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ से रह रहे हैं, इनका कहना है कि हमने ये फ्लैट किराए पर लिया है, उसी संदर्भ में इसकी कार्रवाई की गई है। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल DCP राजेंद्र त्यागी जिन्होंने पूरे घटनाक्रम और जो क्रिकेट सट्टा जो जयपुर शहर में चल रहा है और बुक्की और जो बुक्की के साथ जो फंटर रहता है वो अभी खौफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जल्द ही जयपुर शहर में सट्टे के खिलाफ जो इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और जयपुर में लगातार जो कमिश्नर के निर्देश है वो प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ राकेश दादिश, न्यूज़ इंडिया जयपुर। जयपुर कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने सोडाला थाना क्षेत्र में क्रिकेट सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 LED सहित 3,000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इलाके में क्रिकेट सट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है जहां जयपुर में अब तक क्राइम ब्रांच ने 4 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्रिकेट सट्टे की कार्रवाई के बाद सटोरियों ने जयपुर इलाके को छोड़ ग्रामीण इलाकों का रुख कर लिया है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर अंबेडकर नव युवक संघ ने तैयारियां शुरू कर दी है। श्री करणपुर के वार्ड 4 स्थित अंबेडकर पार्क में नव युवक संघ की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें अंबेडकर नव युवक संघ के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि इस बार 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। साथ ही एक दिन पहले कस्बे में प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जाएगा। जुड़े हुए हैं उन सभी को यहाँ बुलाया गया है और हमारा मोटिवेट ये है कि 14 अप्रैल की जो आने वाली तारीख है बाबा साहब की जयंती है 128वीं, उसकी बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको पारितोषिक या अन्य कोई चीज़ें हैं उनको दी जावे और 14 अप्रैल के दिन यहाँ लंगर का आयोजन भी किया जावे तो गरीब व्यक्ति है भरपेट खाना खाए। और 14 अप्रैल के दिन जितने भी खेल कूद के अंदर है, नेशनल लेवल पर है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चा 75% से ऊपर अंक लेके आया उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के सूरतगढ़ में नगर पालिका की संपत्ति पर ही भू माफिया द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड नंबर 2 में खाली पड़ी जमीन पर सरकारी संपत्ति होने की चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी भू माफियाओं ने नगर पालिका से ही सांठगांठ कर खाली पड़ी जमीन पर 4 दीवारी बनाकर ताले लगा दिए। इसके साथ ही बिजली और पानी का कनेक्शन जारी करवा लिया है। हमेशा की तरह न्यूज इंडिया ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार निभाते हुए उड़ता हनुमानगढ़ नाम से समाज हित में चिट्ठे नाम के नशीले पदार्थ की तस्करी पर खबर प्रमुखता से दिखाई थी जिसका असर देखने को मिला। खबर दिखाए जाने के बाद हनुमानगढ़ के माकपा नेताओं और लोगों में जागरूकता देखने को मिली और सबने एक सुर में बोला कि उड़ता पंजाब की तरह हनुमानगढ़ को उड़ता हनुमानगढ़ नहीं बनने देंगे। पुलिस लग रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हुई है, पुलिस के अन्य काम भी में भी बिजी है। हम जिला पुलिस अधीक्षक इस मामले में विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके निजी निर्देशन में सारा काम हो रहा है।
हम कामयाब होंगे। सफेद चिट्टा जिसे बोलते हैं, चिट्टा जिस तरह गांव-गांव में घुस रहा है, उसको लेकर हम ये कहते हैं कि ये हनुमानगढ़ है, ये अगर आप नहीं जागे तो ये उड़ता पंजाब हो जाएगा, हम उड़ता हनुमानगढ़ नहीं देखना चाहते हैं। ये तमाम मांगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर सके, उन मांगों को लेकर आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और SP साहब के नाम ज्ञापन दिया है कि तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई की जाए। बूंदी के नैनवा रोड इलाके में बैंड बाजों में रखे गए अवैध शराब और बैंड की आड़ में की जा रही तस्करी पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी शराब बरामद कर अवैध शराब को भी जब्त कर लिया। इस कार्रवाई को देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वह आबकारी विभाग की कार्रवाई को देख बैंड मालिक मौका पाकर फरार होने में कामयाब हो गए। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 4 दिवसीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता जिला बैडमिंटन संघ और राजस्थान बैडमिंटन संघ की ओर करवाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 350 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें चैंपियनशिप अलग अलग कैटेगरी वर्ग में भी करवाई जाएगी। तो वही प्रतियोगिता करवाने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के छोटे बच्चों को मोटिवेट करना है। बूंदी से नर्सिंग आश्रम जा रहे युवक को समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट कर दी। बता दें कि पीड़ित को चारों युवकों ने जबरन नॉनवेज खिलाने का प्रयास किया, जहां उसके नॉनवेज नहीं खाने पर उसके साथ मारपीट कर दी। मौके से युवक ने भागकर जान बचाई और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मछली थी एक के हाथ में, तो मेरे से कहते खुद रोकते हैं। अब सब मत्स्य आगे हो रहा है, रात में भी मछलियां मारी जा रही है, दिन में भी मारी जा रही है। राजस्थान के पाली में श्री सोनाड़ा खेतलाजी में नए धाम का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो कि 6 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा, जिसे लेकर आयोजन ट्रस्ट कमेटी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि श्री सोनाड़ा खेतलाजी नया धाम देसुरी गोडवाड़ा और पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वहीं मेले में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोक कलाकार अपनी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देंगे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पाली में एक अधिवक्ता ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सोजत निवासी हेमंत कुमार सिंघवी ने जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद जैन के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सिंह ने कहा कि जिले के विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। राजस्थान के ब्यावर में क्लिनिक के बाहर खड़ी एक एक्टिवा में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना नवरंग इलाकर की है, तो वही घटना सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग स्कूटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है। गर्मी की शुरुआत होते ही डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में डायरिया से पीड़ित मरीजों की खासी संख्या देखने को मिली, जहां डायरिया की बीमारी से बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं सभी प्रभावित हैं। इस मामले में अस्पताल के CMS ने बताया कि डायरिया के केस अस्पताल में अधिक आ रहे हैं और डायरिया का मुख्य कारण जगह जगह का पानी पीना और बाजार में फास्ट फूड का सेवन करना है। इससे बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिर फिल्टर कर पिए। देखिए, आजकल अब मौसम बदल गया है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है,
और ऐसे मौसम में उल्टी और दस्त के मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। मुख्य कारण इसका यह है कि खान पान में जो दिक्कतें होती हैं, जैसे कि दूषित पानी हम पी लेते हैं इधर से कहीं और से बाज़ार में या कहीं घर में भी बिना फिल्टर किया हुआ, उसकी वजह से ये उल्टी रस की शिकायत होती है। दूसरा, जो बाज़ार में वो सब मिलते हैं सामान, जैसे लोग मोमो खाते हैं या जो चाट वगैरह खाते हैं, उनकी वजह से भी उल्टी रस की शिकायतें होती हैं। बंटवारे को लेकर बाप बेटे आमने सामने आ गए, जहां माँ बाप ने बड़े बेटे पर आरोप लगाते हुए घर से निकालने की शिकायत एडीजी बरेली से की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल सिरौली निवासी राकेश रस्तोगी एक व्यवसायी हैं और उनका ज्वेलरी का कारोबार है और पेट्रोल पंप भी है। वहीं पूरे मामले में एडीजी ने सीओ आंवला रामप्रकाश से जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। बेटे अंकित रस्तोगी ने अपने पिता पर छोटे भाई के बहकावे में आकर झूठे आरोप लगाने की बात कही है, तो वहीं अंकित ने बताया कि सभी संपत्ति उसके माता पिता के नाम है और वह सभी एक ही घर में रह रहे हैं। कल मेरे पिता ने, मेरी माता ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए और उन आरोपों का कोई आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी संपत्ति मेरे माता पिता के नाम है, हम उनके संतान हैं। पहले दायित्व हमारा बनता है उनकी सेवा करना। चूँकि हमारा छोटा भाई है जिसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी मेरे साथ करी, मेरी पत्नी के साथ करी, उसने दसियों बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया है और मेरी पत्नी के कपड़े तक फाड़ दिए, इतना बुरा उसने व्यवहार करा। अंकित रस्तोगी बड़े पुत्र है, वरुण रस्तोगी छोटे पुत्र है। इनका पारिवारिक है, पारिवारिक बंटवारे को लेकर विवाद है, जिसमें बड़े लड़के का कहना है कि मैं शुरू से व्यापार में लगा रहा और उसमें जो घाटा हुआ घाटा मैंने भरा, और इसके बाद जो बंटवारा हुआ बंटवारे में उस घाटे के लिए कोई हिस्सेदारी नहीं ले रहा है, और पिताजी जो है छोटे बेटे का जो है पक्ष ले रहे हैं, जबकि छोटे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तो दोनों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो हो गए हैं और वो चले गए। अब एक हफ्ते बाद आएगा, जाँच उसकी चल रही है। सांसद भगत कोश्यारी के हरीश रावत को एकला बंदर कहने पर हरीश रावत ने भी उन्हें भीगा घुघुत की संज्ञा दी है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। तो वहीं एक बार फिर भगत दा ने हरीश को 30 मई के बाद पिंजड़े में बंद करने की बात कही। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह विश्व ने कहा कि राजनीति में इस तरह तंज होते हैं जो कि माहौल को रोचक बनाते हैं। कहा कि दोनों दिग्गज नेता उससे पहले एक अच्छे दोस्त भी हैं। तो वही कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने हरीश को बंदर कहने पर, जोशी ने कहा कि कोश्यारी को इस तरह की भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव अभियान है वो चरम पर चल रहा है और हम चुनाव अभियान में सबसे आगे हैं, हम कार्यकर्ताओं के संख्या में सबसे आगे हैं और जनसभाओं में हम सबसे आगे हैं। निश्चित रूप से चुनाव में राष्ट्र नेतृत्व आता है, राष्ट्र के बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं। तो हमारा जो है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, तो निश्चित रूप से जो वो संदेश देते हैं, जो बातें कहते हैं, तो कार्यकर्ता जब जनसभा में आता है, उनकी बातों को सुनता है, तो उन बातों को लेकर चर्चा करता है, बूथ पर चर्चा करता है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पर्वतीय क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए बहुत काम किया, महिला डेयरी को प्रोत्साहन देने की बात की, दुग्ध बोनस देने की बात की, पेड़ पर बोनस देने, पेड़ पर प्रति पेड़ 300 रुपये देने की बात की, मेरा वृक्ष मेरा धन योजना लागू करके पर्वतीय कृषि पर जो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं उन पर 500 रुपये पर क्विंटल बोनस देने की बात की। लेकिन काम बहुत कुछ हुआ और जितने भी हमारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो पर्वतीय शैली को भी समझते हैं, पर्वतीय भाषा को भी समझते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को भी समझते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।